प्रभु प्रसाद चैनल में सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज आटे का नमकीन बनाएंगे, आटे का निपट बनाएंगे। आटे का निपट बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए, गेहूं का आटा 1 कप लिया है, लाल मिर्ची पाउडर 1 स्पून, स्वादानुसार नमक, दो स्पून घी, 1 स्पून अजवाइन, 1 कस्तूरी मेथी, 1 बर्तन में आटा डाल रही हूँ, 2 स्पून घी डाल रही हूँ, लाल मिर्ची पाउडर, अजवाइन को थोड़ा ऐसा स्मैश करके डालेंगे हाथ से, इससे स्वाद अच्छा होता है। कस्तूरी मेथी को भी ऐसा स्मैश करके डाल रही हूँ। अभी इसको मिक्स कर लेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंद लेंगे। देखिए आटा गूंद लिया है। इसमें 3 लोइयां बना लेंगे। अभी इसको बेलेंगे। देखिए ऐसा पतला पापड़ी जैसा बेल लेंगे। ऐसा कोई कटिंग के लिए एक कटोरी से काट लेंगे तो सब पापड़ियाँ, सब नमकीन एक ही जैसा रहेगा, सब निपट एक ही जैसा रहेगा। देखिए ऐसा जो भी आटा है उसको ऐसा हम एक तरीके से काट के ले लेंगे। देखिए ऐसा एक थाली में इसको शिफ्ट करके दूसरा भी बेल लेंगे। दूसरा भी मैं बेल के दिखा रही हूँ। देखिए ऐसा इसको भी कटिंग कर लेंगे। इसको भी एक थाली में निकाल के रख देते हैं। देखिए अभी सब नमकीन पापड़ी को ऐसा फोर्क से छेद छेद कर लेंगे, क्योंकि तेल में डालने के बाद वो फूलना नहीं चाहिए, इसलिए ऐसा फोर्क से होल कर लेंगे। देखिए अभी तेल गरम हो गया है। तेल में इस तरह पापड़ी को डाल रही हूँ। देखिए फूल नहीं रहा है ना, तो छेद छेद किया है ना, इसलिए फूलता नहीं है। ये क्रिस्पी बहुत अच्छा होता है, कम इंग्रेडिएंट्स में बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा, क्रिस्पी रहेगा, शाम के स्नैक्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए अब ये तल गया है, अभी इसको निकाल देते हैं। देखिए रोज कलर आने तक इसको तलेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अभी जो भी पापड़िया है उसको भी ऐसा ही तल लेंगे। देखिए ऐसा नमकीन रेडी हो गया है। अभी इसको सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ। गेहूं का निपट, गेहूं का नमकीन स्नैक्स रेडी हो गया है। इसको सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ। देखिए मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ कितना क्रिस्पी, कितना अच्छा ये बन गया है। नमकीन स्नैक्स, गेहूं के आटे का निपट रेडी।